नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृतांत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोविंदा रोहन कपूर की बेहतरीन फिल्म लव 86 से संबंधित ढेर सारे नॉन फैक्ट्स, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इस फिल्म के कलाकारों के बारे में। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। लव 86 एक रोमांस और ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसे रिलीज किया गया था 14 फरवरी 1986 को। इस फिल्म में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था तनुजा, रोहन कपूर, नीलम कोठारी, गोविंदा, सफी ईमानदार, सतीश शाह, रवि बसवानी, जानी लीवर, असरानी, बीरबल, दिनेश सिंगू, फरहा नाज इत्यादि। इस फिल्म का निर्देशन किया था इस्माइल श्रॉफ ने, जिन्होंने साल 1990 में आई थोड़ी सी बेवफाई, साल 1981 में आई बुलंदी, साल 1989 में आई सूर्या, साल 1990 में आई पुलिस पब्लिक, साल 1992 में आई निश्चय, साल 1995 में आई गॉड एंड गन जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्राण लाल वी मेहता ने। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे थे मोइनुद्दीन ने। यह फिल्म प्रतिमा फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। इस फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गानों के बोल लिखे थे समीर, संतोष आनंद, एचएस बिहारी और प्रेम पंडित ने मिलकर। इस फिल्म में 32 मिनट 13 सेकंड लेंथ के कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनको अपनी मखमली आवाज से सजाया था सुरेश वाडेकर, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, शैलेंद्र सिंह, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति इत्यादि ने। इन गानों के बोल थे ओ मिस दे दे किस, मैं जब भी, प्यार की हद से, महबूब से हमारे, आई है बारात, किस्मत अपनी खुल गई इत्यादि। इस फिल्म के सभी गाने काफी अच्छे थे और लोगों ने काफी पसंद किया था, जिन्हें आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। लव 86 का बजट था लगभग 1.25 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने भारत में कुल कमाई की थी 3.50 करोड़ रुपए की और दुनिया भर में कुल कमाई की थी 4.25 करोड़ रुपए की। और यह बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दी गई थी। 2 घंटे 25 मिनट लेंथ की इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.8 रेटिंग मिली हुई है। आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से संबंधित ढेर सारे नॉन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, लव 86 साल 1986 में कमाई करने के मामले में 8वें नंबर पर थी। अगर साल 1986 की टॉप 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो पहले नंबर पर थी कर्मा, जिसने 7 करोड़ रुपए की कमाई करके सुपरहिट साबित हुई थी। दूसरे नंबर पर थी नगीना, जिसने 4.75 करोड़ रुपए की कमाई करके सुपरहिट साबित हुई थी। और तीसरे नंबर पर थी आखिरी रास्ता, जिसने 4.25 करोड़ रुपए की कमाई करके सेमी हिट साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 2, लव 86 गोविंदा की पहली फिल्म थी। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इल्जाम गोविंदा की पहली फिल्म थी, लेकिन वास्तव में गोविंदा की पहली फिल्म लव 86 है, जो इल्जाम से 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई थी। बता दें कि लव 86 14 फरवरी 1986 को रिलीज हुई थी, जबकि इल्जाम 28 फरवरी 1986 को रिलीज हुई थी। इसलिए गोविंदा की पहली रिलीज फिल्म लव 86 ही है। फैक्ट नंबर 3, लव 86 फिल्म गोविंदा के उनके डांस की वजह से मिली थी, क्योंकि इस रोल के लिए कामरान रिजवी भी दौड़ में थे, लेकिन वह डांस करने में असहज थे क्योंकि उन्हें डांस करना नहीं आता था। इसलिए कामरान रिजवी को पहले से ही पता था कि गोविंदा को यह भूमिका मिलेगी, क्योंकि गोविंदा उनसे बेहतर डांस कर सकते हैं। और हुआ भी ऐसा ही, गोविंदा के नृत्य करने के काबिलियत की वजह से उन्हें लव 86 फिल्म मिल गई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। बता दें कि 31 मई 1990 को एक पारिवारिक विवाद के कारण अभिनेता कामरान रिजवी की उनके चचेरे भाई ने हत्या कर दी थी। कामरान रिजवी वैसे तो कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने उन्हें साल 1986 में तहखाना फिल्म में देखा होगा, जिसमें उन्होंने विजय नाम का किरदार निभाया था। फैक्ट नंबर 4, गोविंदा की भूमिका के लिए करण साह भी दौड़ में थे, लेकिन करण साह और निर्माता प्राणलाल मेहता के बीच पैसों को लेकर असहमति थी, क्योंकि करण साह फिल्म में काम करने के लिए अधिक पैसों की मांग कर रहे थे, जबकि प्राणलाल मेहता उतने पैसे देना नहीं चाहते थे। इसी बीच गोविंदा ने फिल्म साइन कर ली, क्योंकि गोविंदा उस वक्त नए कलाकार थे, इसलिए वह कम पैसों में काम करने के लिए राजी हो गए और गोविंदा के लिए यह फिल्म बड़ी सफल साबित हुई। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म के निर्माण के दौरान गोविंदा की भूमिका को रोहन कपूर की भूमिका की तुलना में सहायक अभिनेता की भूमिका माना जाता था, लेकिन दोनों के रोल बेहद महत्वपूर्ण हैं और दोनों अपने अपने जगह पर हीरो हैं। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में नीलम की आवाज को वॉइस आर्टिस्ट के द्वारा डब किया गया था, क्योंकि उन्हें अच्छी हिंदी बोलने नहीं आती थी, क्योंकि नीलम का जन्म हांगकांग में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा भी हांगकांग में हुई थी, इसलिए नीलम अच्छी हिंदी नहीं बोल पाती थी। नीलम को निर्देशक रमेश बहल ने सबसे पहले साल 1984 में अप्रोच किया था और उन्हें जवानी फिल्म से इंट्रोड्यूस कराया था, हालांकि बाद में नीलम ने अच्छी हिंदी बोलना सीख ली थी। मित्रों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।